और जिसका बेसब्री से इंतजार था, स्पेशली मुझे और प्रदीप जी को तो बेसब्री से, और मैं यकीन कर सकती हूँ कि जिया को भी इस चीज का इंतजार रहा होगा कि वोटिंग परसेंटेज जो है पहले दो घंटे का क्या निकल कर आता है। लीजिए, आना शुरू हो गया है जिला दर जिला वोटिंग परसेंटेज। जो अभी मेरे पास जानकारी मिल रही है, बुलंदशहर में 7.34% हुई है, हापुड़ में 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, यूपी के हापुड़ में बताया जा रहा 8% मतदान 9 बजे तक हुआ है, डबल डिजिट अभी तक कोई इलाका अगर क्रॉस किया हो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। बागपत में भी 8% हुई है 9 बजे तक, ये आंकड़ा बता दूं। बुलंदशहर में 7.34% हुई है, मेरठ कैंट में 8.25% हुई है, गाजियाबाद में देखिए 8%। एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसने डबल डिजिट क्रॉस किया हो या 10 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया हो, और इसीलिए हम कह रहे हैं निकलिए मतदान कीजिए। हालांकि सर्द हवाएं चल रही है, सर्दी का मौसम है, उठते उठते उठेंगे, जाते जाते जाएंगे, लेकिन वोट जरूर करेंगे। ये इलाका बड़ा महत्वपूर्ण है। कैरेना सीट पे नाहिद हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं, हालांकि वो खुद सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी बहन ने मोर्चा संभाला हुआ है और बहन ही से बात की है मेरे सहयोगी ने, जरा सुनते हैं नाहिद हसन क्या कह रही हैं। ये देख, सीट जो बनी हुई है वो कैराना सीट है। कैराना से यहाँ नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनकी बहन इन दिनों चुनाव में प्रचार में है, क्योंकि वो नाहिद हसन साहब जो है इस वक्त जेल में है। कितना मुश्किल ये वाला चुनाव आपके लिए रहा कि आपके भाई जो है जेल में है इस वक्त? जी बिल्कुल, चुनौतियां थी इस चुनाव में बहुत, लेकिन हमने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। जो भी हमारी तरफ इन्होंने बॉल्स फेंकने की कोशिश करी, तो हमने उनका मजबूती से हमने लड़ाई लड़ी है। ये जो कैराना सीट है, यहाँ पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, काफी ज्यादा इसकी चर्चाएं रही, तो इस मुद्दे को आप कितना मानती हैं, आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी इस मुद्दे को लेकर? पलायन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, और धरातल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। भाषणों में है, बीजेपी के लिए है, आईटी सेल के लिए है उनके, लेकिन धरातल पर ये कोई मुद्दा नहीं है। कई बड़े नेता जो है इस सीट पर यहाँ पर आए भाजपा के, और तमाम बयान जो थे ऐसे रहे कि एक गर्मी वाला बयान, चर्बी वाले बयान, इस तरीके के बयान यहाँ पर आए, इनको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक इतनी शोभा के गरिमा के पद पर होते हुए ऐसी टिप्पणी करना मेरे हिसाब से अशोभनीय है योगी जी के लिए। तो वो उन्होंने साबित कर दिया इस बात से कि वो लायक ही नहीं है इस पद के, और जनता उनको जवाब देगी खुद इस बात का मैंडेट के जरिए। इकरा, आप जो है डोर टू डोर लोगों से मिली, कैंपेन भी आपने किया, पूरा प्रचार आपने संभाला अपने भाई की गैर मौजूदगी में इस वक्त जो है, तो क्या रिस्पांस मिला, लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं? देखिए, लोग विकास चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, और इस सरकार ने न काम किया है, न विकास किया है, न सुरक्षा दी है लोगों को, तो यही मुद्दे रहे हैं और इन्हीं पर ही हमारा चुनाव रहा है, और जनता भी इन्हीं पर ही वोट करेगी। मैम, इस वक्त जो है कई सारे लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए, उनको क्या कहेंगे जो वोटर्स जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगी कि सभी लोग बाहर आएं, वोट दें, अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें और झूठ के खिलाफ वोट दें। ये जो सरकार ने झूठ फैलाए हैं उसके खिलाफ उनको जवाब देने का काम करें वोट के जरिए। ये थी इकरा हसन जो कह रही हैं कि इस बार जो है यहाँ विकास मुद्दा रहने वाला है, लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार जो झूठ के खिलाफ यहाँ पर वोट करें। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज कैराना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।